भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के नामांकन के बाद प्रदेश दौरे पर रहेंगे भाजपा के अमित शाह। वाराणसी से जोधपुर पहुंचेंगे अमित शाह और सबसे पहले जालौर के रामसीन में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। शाम को जोधपुर शहर में रोड शो करेंगे और भाजपा उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करते नजर आएंगे और उनके साथ इस दौरान भाजपा के दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। भाजपा पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वाराणसी में पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे जब पीएम अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद सीधा जोधपुर पहुंचेंगे अमित शाह और यहां भाजपा के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में रोड शो करेंगे और रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करते नजर आएंगे। इस रोड शो में अमित शाह के साथ भाजपा के दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के नामांकन प्रक्रिया के बाद प्रदेश के दौरे पर रहेंगे भाजपा के चाणक्य। सबसे पहले जालौर के रामसीन में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम को जोधपुर शहर में रोड शो करेंगे। वाराणसी में मौजूद रहेंगे पीएम मोदी के साथ जब पीएम अपना नामांकन दाखिल कर रहे होंगे और उसके पश्चात सबसे पहले अमित शाह जोधपुर पहुंचेंगे और रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे अमित शाह और इसी खबर पर हमें अपडेट देने के लिए एवन संवाददाता मांगीलाल फोनलाइन पर मौजूद है। मांगीलाल, भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले मारवाड़ की सियासत को साधने के लिए आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, पूरे दिन भर का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो आज शाम को 4 बजे अमित शाह हेलीकॉप्टर के जरिए रामसीन पहुंचेंगे और रामसीन जालौर सिरोही जो क्षेत्र है, ये दोनों जिले है जालौर सिरोही, इसके बीच में जो बीच का पॉइंट है जिसमें जालौर के भी लोग आ सकते हैं और सिरोही के भी लोग आ सकते हैं। वैसे में कल कांग्रेस की भी उसी रामसीन की मीटिंग हुई थी और वो जो आम सभा को संबोधित किया था और आज भी जो है अमित शाह 4 बजे वहां आएंगे और आम सभा को जो संबोधित करेंगे और जो इसके भाजपा के जो प्रत्याशी देवजी पटेल हैं उनके समर्थन में जो है आम सभा को संबोधित करेंगे और बाद में रोड शो का कार्यक्रम है। जी जी मांगीलाल, जिस तरह से आपने बताया कि सबसे पहले जालौर में उनकी रामसीन में जनसभा होगी जहां कांग्रेस की भी आम जनसभा हुई थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वहां देवजी पटेल के समर्थन में वोट की अपील करेंगे, उसके पश्चात जब जोधपुर में शक्ति प्रदर्शन करेंगे अपने रोड शो के जरिए, उनके साथ कौन कौन से भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और क्या गजेंद्र सिंह शेखावत चूंकि भाजपा के उम्मीदवार है जोधपुर से, क्या वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे? जी, फिलहाल जो जालौर जो रामसीन में आम सभा करेंगे उसमें जालौर सिरोही के जो देवजी पटेल है और जो भाजपा के तमाम विधायक है, कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो मौजूद रहेंगे और उसके बाद में 5 बजे जोधपुर में जो रोड शो है और वहां पर जो गजेंद्र सिंह जी भी जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार उनके साथ में रहेंगे। जी जी मांगीलाल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि आज वाराणसी में नामांकन प्रक्रिया के बाद सीधा पहुंचेंगे भाजपा के चाणक्य जोधपुर, जहां सबसे पहले जालौर के रामसिंह में देवजी पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके पश्चात शाम 5 बजे जोधपुर में शक्ति प्रदर्शन करेंगे अपने रोड शो के जरिए और इस दौरान उनके साथ गजेंद्र सिंह शेखावत सहित भाजपा के दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे।